अरे जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, कोई आना जाए, खोलो। अरे वो पुजारी, देवी माँ के सभी गहने निकाल दिए है ना? देवी माँ के सारे गहने लेकर आया हूँ, देखिए साहब जी। मंदिर में चोरी हो जाए उसे रिपोर्ट करने वाला पुजारी मैं, इस रिपोर्ट के आधार पे जांच करने वाला अधिकारी मैं हूँ, उसका फैसला सुनाने वाला गांव का सरपंच मैं हूँ। जब हम तीनों ने मिलकर ये चोरी की है तो गांव में कौन हमारी तरफ उंगली उठाएगा? ठीक है, समय गवाए बिना बेटी को गड्ढे में रखो। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही देवी माँ के गहनों की चोरी का मामला ठंडा पड़ जाएगा, हम तीनों यहाँ आके इन गहनों का बंटवारा कर लेंगे। मैं भक्तों के लिए यदि दुर्गा हूँ तो दुष्टों के लिए भद्रकाली भी हूँ। कहते हैं दुष्टों को सुधरने के लिए 3 अवसर देना चाहिए। मैंने 100 बार क्षमा किया फिर भी इस गांव के लोग नहीं सुधरे। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी। माँ तुम कौन हो? मैं दूर गांव से आ रही हूँ, मुझे वो गांव पसंद नहीं है इसलिए छोड़ के आ गई। माँ तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, लो थोड़ा सा मार पी लो। इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने भी मार नहीं पिलाया। माँ मैं बीन बजाना जानता हूँ, तुम सुनोगी? बीन के नाद में मैं लीन हो गई थी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं दूंगी। हम दोनों अनाथ हैं, माँ बाप नहीं है, हम आपको माँ पुकारे? पुकारो बेटी, मेरे तो हजारों नाम हैं, लेकिन माँ सुनना ही मुझे पसंद है। माँ तुम यही रहो, इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाओ। रहूंगी बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा हमेशा के लिए मैं इसी गाँव में रहूंगी। आओ बहन, आज भी तू ही जीत गई। क्यों बे, तू समझता है मेरी बहन के साथ दौड़ा के जीत जाएगा? तू जीत नहीं पाएगा मदन, कभी जीत नहीं पाएगा, ये गोपाल की बहन है जानता है ना? अरे छोड़ो भी भैया, मैं कहाँ जीती, आज भी यही जीता है। ये तू क्या बोल रही है? हाँ भैया, दौड़ में मैं जीतू इसलिए मदन जानबूझकर आहिस्ता दौड़ा। आहिस्ता दौड़ा? क्यों बे, मैं समझता था मेरी बहन को मैं ही बेहद प्यार करता हूँ, तू तो मुझसे भी ज्यादा चाहता है। क्यों बे, इसमें भी मुकाबला? भैया अपने माँ बाप के दिए हुए उपहार हो तुम, देवी माँ का दिया हुआ उपहार है ये, तुम दोनों के रहते हुए मुझे किस बात की कमी हो सकती है? हाँ बहन, भगवान तुझ जैसी बहन सबको दे। ठीक है बहन,
काम धंधे का वक्त हो गया है, मैं और मदन कस्बे में जाके लोगों को हमारा खेत आके दो चार पैसे कमा के लाएंगे। ठीक है, चलो चलो भाई मदन मेरे बात, चलो जल्दी चलो। यानी ये लड़की देवी दुर्गा माँ की लाडली बेटी है। ओ मैया, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, साथ में आम का अचार भी लाई हूँ, आके दबा के खा ले। ये क्या माँ, मैं बुला रही हूँ और तू है कि अभी तक बुद्ध बनकर वहीं पर बैठी हुई है। अरे आना। नहीं आएगी ना, तो ठीक है जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। माता माता, तू आ गई। नाम से तो तू काली है, अंदर से एकदम कली है। ले खाना खा ले। तूने खाना खाया? मेरी बात छोड़, कब से खाली पेट बैठी है तू, इसलिए ये खाना तू खाएगी। नहीं तू खा ले, पहले तू ही खाएगी। तू पहले खाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, न तेरी बात न मेरी, चिटपट करके देखते हैं हम लोग। अगर चिट आया तो ये खाना पहले तू खाएगी, पट आया तो मैं खाऊंगी। ठीक है। चिट भी नहीं पट भी नहीं, सिक्का बीच में ही रुक गया, वो कैसे? तूने कोई जादू टोना किया है जादूगरनी। ये कैसा सपना था? रामलाल, अरे ओ रामलाल। आया मालकिन। मालकिन आपने बुलाया? काम चोर कहीं के, जरा मेरे पैर नीचे उतार के रख। मैं काम चोर हूँ, और कुछ करना है मालकिन? कुछ नहीं, तुम जाओ। क्या बात है रमेश, सुबह सुबह तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, एक सपना देखा। जब भी मैं सपना देखता हूँ उसमें कोई सोनिका मोनिका वगैरह आया करती है, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी वैसी लड़की आई। उसकी खूबसूरती का क्या कहना, बड़ी खूबसूरत थी, बस उसके फूल जैसे हाथों में एक आग की हंडिया थी। हंडिया को फोड़ो, पहले ये पता लगाओ कि वो लड़की कौन थी, उसी से तेरी शादी करा दूंगी। हे, आजाद पंछी को पिंजरे में रखना चाहती हो, हा? मेरी बहन होकर भी मुझे नहीं पहचानती हो, मेरी बात ही निराली है। रुको 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 रुको, अब उन्हें भगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो दोनों खुद मौत की बस्ती में पहुंच गया ना, उन्हें वहीं पर सजा मिल जाएगी। तो अब क्या करें? चलो भाई चलते हैं। चलो, 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 चलो भाई आओ। हमने एक दूसरे को प्यार किया, जुर्म के लिए गांव वाले हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। अच्छा हुआ हम इस गाँव में आ गए, हमें भगवान ही बचाएगा। ये क्या भाई, भगवान का नाम लेते ही भगवान खुद सामने खड़ा है, सोच रहे हो? इस गांव का मैं ही भगवान हूँ, मौत का देवता। साहब जी, हमने अपने गांव वालों के खिलाफ शादी की है, दया करके हमें बचाइए। बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। रहने दो रहने दो, बचाने वाले भगवान को नैवेद्य तो दोगे ना? हाँ बिल्कुल। मुझे क्या दोगे? मेरे पास जो भी है मैं आपको दे दूंगा। आप क्या करें? नैवेद्य के रूप में तेरी बीवी मांग रहा हूँ। तेरी तो उन्हें कुछ मत कीजिए। उसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुमने गोली चलाई दी थी?
अपना भाई इत्मीनान से किसी का रेप करे ऐसा सोचने वाली बहन दुनिया में नहीं मिलेगी। भागती कहाँ? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। लो, हाथ तो लगी पर काम नहीं आई। खैर छोड़ो, अपने आदमी लाशों को ठिकाने लगा देंगे। ये सब तुम देख लेना। ये बताओ, मैं यहाँ रेप करने आया हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक बुजुर्ग को जरूरी काम से तुझसे मिलने आए हैं, इसलिए तुझे लेने के लिए आई हूँ। मुझसे मिले तो लड़के आया करती हैं। ये कौन है? क्या है ओल्ड मैन, गेटअप कुछ हटके है? क्या बात है, डोनेशन चाहिए? पहले आप दोनों जाके शुद्ध होकर आइए। क्यों? अभी अभी खून करके अशुद्ध हुए हो। हमने खून किया ये तुम कैसे जानते हो? जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। जो ज्योतिष विद्या मैंने सीखे है उसके जरिए भूमि और आकाश के बीच जो कुछ भी है सब पता लगा सकता हूं। तुम्हारी जन्म कुंडली मिल गई थी मुझे, मैंने देखा, आश्चर्य हुआ। तुम्हें सावधान करूं सोच के तुम्हारे पास आया हूं। सावधान? और मुझे? शायद आप मुझे नहीं जानते। तुम्हारी जान पर विपत्ति आने वाली है। पूर्णमासी के दिन मिथुन लग्न में जन्मी दुर्गा देवी के एक भक्तन के हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। एक लड़की के हाथों मेरी मौत होगी? मेरे हाथों से लड़कियों की मौत होती है। इसी वजह से तुम पर श्राप है, मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है। तू चुप हो जा, ये देखने से महान ज्योतिष लगते हैं, इनकी भविष्यवाणी सच हो सकती है। सुनिए, वो लड़की कौन है? मीना, देवीपुर गांव की। गुरुजी, गुरुजी। आइए रमेश जी, कैसे आना हुआ, बैठिए। जमीन पर। मेरी आर्थिक सहायता करने वाला आपको मैं जमीन पे थोड़े ही बैठाऊंगा। वेट। तशरीफ रखिए। अब बताइए कैसे आना हुआ। गुरुजी, मेरी जान को खतरा है। किसने कहा? एक बहुत बड़े ज्योतिष ने। वो भी किसी लड़की से मेरी जान को खतरा है, उन्होंने कहा। इन फीतों से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। ये क्या गुरुजी, मैंने सोचा आप मेरी मदद करेंगे, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। आपके साथ और भी कोई आया है? जी साहब। ये है मंगू। मेरे पितों का कमाल देखा गुरुजी। ग्रेट ग्रेट। इन पितों को भेजना ही काफी है, आपकी दुश्मन वो लड़की। ये क्या भाई, तुम्हें देखने से ऊंट के व्यापारी लगते हो पर बेचते हो फीते। रेगिस्तान में पानी नहीं है इसलिए यहाँ चले आए हो क्या? मैं कोई भी काम करूं उसका एक अलग रंग होता है। ये इसलिए रंग बिरंगे फीते बेचते हो? बहन के लिए फीते खरीदने जाते हो? अरे वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं, मेरे मन की बात एकदम समझ गया। जरा दिखा, दाढ़ी में बिल्कुल बिन लाडन लगते हो। ये बताओ एक जोड़ी की क्या कीमत है? ₹5। ₹5? ये कोई सोने चांदी की बनाई है। अरे
आधा घंटा टाइम निकाल कर मैं यहाँ बैठ जाऊँ ना, अपनी धोती को काट कर 500 फीते बनाकर मैं अपनी बहन को दे सकता हूँ। तू इन फीतों से अपनी दाढ़ी सजा लेना। ओ भाई, एक जोड़ी लोगे तो एक फीता मुफ्त में। मुफ्त में? ये हुई ना धंधे की बात, तो फिर दे दो। पैसा कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ क्या? दे दो, चलो आ। हाय फीता, ये मेरे लिए? नहीं तो क्या, मेरे लिए? इसे बांधने के लिए मेरे सर पर है क्या? कुछ भी नहीं है, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। इन फीतों से तू अपनी चोटी बना दे। क्या सुन मीना, मेरी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना लगा। आजा, आ जल्दी आ जा। मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उसके भाई बन के। हाँ मीना, ओ मीना। हाय भैया। क्या भैया? पास वाले गांव में मेला लगा है ना, चलो हम दोनों वहां चलते हैं। ये क्या भैया, अभी अभी तो आए हो और जाने के लिए कह रहे हो, चल के खाना खाओ। अरे खाना कभी भी खा सकते हैं, मेला छूट गया तो अगले साल ही लगेगा। चल दीदी चल। ठीक है, दरवाजा बंद करके आती हूँ। ठीक है आजा, बहुत मजा आएगा। भैया भैया। क्या है? ये क्या भैया, देवी माँ को देख के मुंह फेर के जा रहे हो? देवी माँ तो यही रहने वाली है, मेला थोड़ी रहेगा, वो तो साल में एक बार लगता है। चल मेरे साथ। ये क्या भैया, माँ के लिए ऐसा कह रहे हो? देवी माँ के दर्शन किए बिना तुम कहीं नहीं जाते थे। ठीक है ठीक है, तुम यही रुको, मैं दर्शन करके। रुक रुक, मेरी बात सुन। तो चले? तू आ गई, चल 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 चल। क्यों हंस रहे हो? तुझे बुला के लाने वाला तेरे भाई ये समझती है? तेरे साथ आने वाली तेरी बहन है समझता है? क्या देख रहा है? तू भेस बदल के आया तो तुझे नहीं पहचानूंगी सोचा तूने? हवा बन के भक्तों की रक्षा करने वाली हूं मैं, इस जगदम्बा के सामने ही तेरा यह कुतंत्र, उसे मैं चलने दूंगी? मेरी बेटी का प्राण लेने के लिए तू मेरे ही गांव में आ गया? इस गांव की मिट्टी में इस महाकाली का पांव पड़ा है, इसलिए उस मिट्टी का कण कण त्रिशूल बन के तेरे सामने उभर आएंगे, वहां देख। सपेरे की बहन की रक्षा के लिए भद्रकाली स्वयं आ रही है, ऐसी क्या खासियत है उस लड़की में? उन भाई बहन का देवी मां से क्या संबंध है? माता तू कैसी अच्छी है ना, तू इतनी भली है तो अच्छी ही होगी। तेरा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन हिसाब बताने के लिए आया है। जूतों की दुकान के सामने खेल दिखाया, कमाई 19 रुपए 95 पैसा, जूतों के रेट जैसा। मेरी पूजनी माँ, तू कितनी अच्छी दिख रही है,
उसके बाद मार्केट की तरफ गया, ठीक ठाक आमदनी हुई। अब खर्चे का भी हिसाब सुन, वहीं मार्केट से दाल चावल ले लिया, 25 रुपए हो गए। एक जमाने में हाथ में 1 रुपए ले जाके थैला भर के सामान लाते थे, आज थैला भर रुपया ले जाओ और हाथ में सामान ला। खैर ये सब छोड़ो, दिमाग घूम जाता है मार्केट जाओ तो। लेकिन खर्चे में सबसे बड़ा खर्च किसका है पता है? वो जो बैठा है ना, उन साहब जाने का खर्च। 2 लीटर दूध और 6 अंडे खा के डकार मार के सीधा बैठ नहीं सकता है, इसलिए टेढ़ा बैठा हुआ है। देखो बस ऐसा ही है, उसके बारे में कुछ बोलूं तो जना फन उठा के घूरता है। ठीक है माँ, मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम भी सुन रही हो, इस तरह जागोगी तो सेहत का क्या होगा? माँ मेरी प्यारी माँ, मैं एक लोरी सुनाऊंगा, उसे सुनकर तुम सो जाओगी। ठीक है, मैं अभी आया। से क्या रहा पता है? रोज की तरह आटा दाल चावल और क्या? बिल्कुल नहीं, तू हमेशा पूछा करती है ना, याद है? अरे गुब्बारा, भैया भैया मुझे दो ना, मुझे दो ना। रुको मीना, मैं इसे फुला के देता हूँ। बस बस बस, दो 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 दो। बस है? ये लो। क्या है मीना, क्या हुआ तुझे? गुब्बारे को हाथ में लेते ही आंखें क्यों भर आईं? इसके अंदर मामूली हवा नहीं है, मेरे भैया की सांस है, इसे मैं संभल के रखूंगी। पढ़ली कहीं की, इसके लिए जज्बाती हो रही है मेरी प्यारी बहन। चल बहन खाना खाएंगे, मेरे लिए चल खाना खाएंगे। आप कब आए? क्यों गुरुजी, आप किस दुनिया में खोए हैं जब मेरे आने का पता भी नहीं चला? मैंने 2 बार उसे मिटाने की कोशिश की, मेरी मंत्र शक्ति से बढ़कर कोई दिव्य शक्ति है उस लड़की के पास, जब तक उस लड़की पर दुर्गा माँ की कृपा है मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा क्या होगा गुरुजी, उस लड़की से मेरी जान को खतरा है, भूल गए? तुम फिक्र मत करो, मैं देवाग्नि कवच यज्ञ करने जा रहा हूं, उस यज्ञ के सफल होने से परमेश्वर से मुकाबला करने की ताकत मुझ में आएगी। जिसे मंत्र द्वारा नहीं कर सकते उसे तंत्र से करना होगा। दुश्मन को हराने के 2 तरीके हैं, जहां तुम जैसे शक्तिशाली हार जाते हैं वहां मेरे जैसे बुद्धिशाली ही सफल होते हैं। तुम फौरन उसके गांव में जाओ, अच्छे आदमी के रूप में पेश आओ, जिस देवी मां को वो पूछती है उस मां से उसे छीन के अपने वश में करो। आज ही देवीपुर जाऊंगा, रमेश नहीं शंकर बनके। किशन भैया तुम वापस आ रहे हो? देवी माँ की माला के लिए मैंने फूल लिया ही नहीं। बेटी कोई गांव में नया शंकर आया है जो सारे फूल खरीद कर ले गया। ये क्या भैया? मैंने उसे कहा हमेशा मीना ही सारे फूल खरीदती है, लेकिन उसने कोई मन्नत मांगी है इसलिए फूल ले गया। आप शंकर, आपके गांव में नया आया हूँ। ओ वो आप ही हैं, ये माला देवी माँ को चढ़ाइए। रहने दीजिए, ये आपके काम आए तो मुझे खुशी होगी, मैं पूजा करूँ या आप एक ही बात है, इसे आप अपने हाथों से देवी माँ को पहना दीजिए। आरती का समय हो गया, आप मंदिर जाइए। आपका बड़ा अच्छा मन है इन फूलों की तरह। फूलों की तरह नहीं, आंवले की तरह। आप कौन हैं? मैं पास वाले घर की हूँ मीना, बुरा ना मानना मुझे लगता है कि तुम देख नहीं सकती, फिर कैसे पता चला कि मैं खड़ी हूँ? वो फूलों की महक से। कमाल है, और तुमने ये रंगोली भी अच्छी बनाई है। अरे रे, ये रंगोली मैंने नहीं बनाई, मेरे भैया ने बनाई।
आदमी लोग इतनी अच्छी रंगोली बनाते हैं। मेरे लिए मेरे भैया कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माँ बाप भगवान सब कुछ मेरे भैया हैं। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका नाम क्या है? बिना आंखों की इस बहन के भाई का नाम है शंकर। अच्छा नाम है ना? मीना मैं बाद में खाना खाऊंगा, तू पहले खा। भैया। अरे खाना ये लो, मेरी प्यारी बहन खा ले। अरे क्या हुआ मीना, आराम से खाना, अभी भी छोटी बच्चों की तरह खाती है। कुछ नहीं भैया, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। क्या बोल रही है तू? हो सकता है कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या हुआ भैया, क्या बात है? नहीं मीना, तुझे मैं याद करता हूँ, मुझे तू याद करती है। अब तुझे याद करने वाला कोई नया है बोल रही है ना? माफ कर दो भैया, मैंने बस यूं ही। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का फक्र है कि हमसे बेहतर कोई भाई बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता बहन। ये कैसे कह सकते हो? हो सकता है हमसे बेहतर भाई बहन इस गांव में ही मौजूद हो। हो सकता है बहन, मुझसे अच्छे भाई हो सकता है, लेकिन तुझसे अच्छी बहन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। पैरों के निशान के बगल में अपने पैरों के निशान लगा के देखती हूँ। क्या कर रहा है मेरे प्यार के रास्ते में? तो कांटा बिछा रहा है। समझ गई, भैया से छिपकर मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, ये तुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूं, भैया से छिपकर ही मैं प्यार कर सकती हूँ ना, लेकिन भैया की मर्जी से ही मेरी शादी होगी। खुश? मदन तू कहां गया था? ये क्या, तेरे मुंह पर खून ही खून है। देख मीना, इससे कुछ भी पूछता हूं फुसफुस करके तेरी तरफ देख रहा है। इसे चोट कैसे लगी होगी तू कुछ जानती है? मैं कुछ नहीं जानती भैया। नहीं जानती? ओफो, लगता है कोई तार या कांटा लग गया है इसके मुंह में। ए मदन, मैं तो हर बीमारी के लिए हल्दी लगाता हूँ, अगर मैं तुझे अस्पताल ले गया तो वहाँ के डॉक्टर लोग भाग जाएंगे, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इसी से काम चला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ अकेले बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, मेरे साथ ही चलो।
क्यों मीना? मदन ने लाल कपड़ा हमारे घर से ले जाके शंकर के घर के सामने लगाया है। लाल का मतलब डेंजर है ना? ये क्या भैया, देवी माँ के माथे का सिंदूर भी तो लाल रंग का है, तो वो क्या डेंजर है? तूने सही कहा, मेरी बहन तो अकलमंद है। ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ, इंटरवल में ही जा रही हो कहाँ? देखो, तुमने मुझे पहन की एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम किसी को बर्बाद करने पर तुले हो। सेंटिमेंट डायलॉग्स मेरे आगे नहीं चलेंगे, अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? बेचारी मीना मासूम लड़की है, उसकी जिंदगी तबाह करने में मैं तुम्हारा साथ दूं ये मुझसे नहीं होगा। दया करके मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। लड़कियों की हर ख्वाहिश पूरी करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं अच्छी लड़कियों को इनाम दिया करता हूँ, तो इस गांव को छोड़ के जाना चाहती है ना? इनाम के तौर पर मैं तुम्हें दुनिया से ही भेज देता हूँ। शंकर ने अपनी बहन को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। बेचारी भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। हमको तो लगता है भैया किसी ने उसकी इज्जत लूटी है, इसीलिए तो उसने खुदकुशी की होगी। ये तू क्या बोल रही है? वो भैया, मैं उन्हीं से शादी। क्या कहा, शादी? तूने फैसला भी कर डाला? ठीक है बहन, तूने जो भी मांगा मैंने कभी मना किया नहीं ना? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तेरा सुखी मैं चाहता हूँ। तेरी शादी मैं शंकर से ही करा दूंगा, छोड़ो। अरे फिकर छोड़ो, मेरे होते हो फिकर क्यों करती है? मेरी लाडली बहन, मेरी अच्छी बहन। शंकर, शंकर, मैंने आज तक कभी तुमसे बात भी नहीं की है, लेकिन गांव वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जिस बहन को तुमने अपनी जान समझा है उसने आत्महत्या कर ली, तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। कैसे रह सकता हूं, उसके सिवा मेरा कोई नहीं था, वो भी चली गई, अब मैं जीकर क्या करूंगा? अरे रे, इस तरह दिल छोटा नहीं करते, ऐसे दुख की घड़ी में मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी अपने मन की बात कह देता हूं। आज तक तुम अपनी बहन के लिए जी रहे थे, आज के बाद मेरी बहन के लिए तुम्हें जीना होगा। ओ, ये क्या, मैं उनके लायक कहां? मेरी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है, तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगी, मैं भी खुश रहूंगा। हाँ कहो ना शंकर। कुछ भी हो, एक भाई के जज्बात एक भाई ही समझ सकता है, इसलिए मैं हाँ कहता हूँ। अच्छा क्या, मैं बहुत खुश हूँ, मैं फौरन जाके दुर्गा मैया को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। रुको, ये दुर्गा मैया? मैया को नहीं जानते? मैया को, वो मेरी प्यारी माँ है, दुर्गा देवी। उससे कहे बिना आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है, मैं फौरन जाके उनको ये खबर सुनाता हूँ, वो भी आएंगी शादी में। तुम भी कमाल करते हो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बताओ, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है गांव से बाहर। अगर शादी के लिए देवी माँ वहां चली गई तो गांव की रक्षा कौन करेगा? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने सही कहा, पहले ही देवी माँ दूसरे गांव को छोड़कर यहाँ आके बस गई, अब यहाँ से भी चले गई तो इस गांव को कौन बचाएगा? वक्त पर आपने मुझे समझा दिया, देवी माँ को शादी में नहीं आना चाहिए, यही ना? वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र क्यों करते हो? मैया, मैया यहाँ कहाँ है? अरे वो तो सब जगह मौजूद है। मैया, 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 एक जरूरी बात कहनी है, मेरी बहन की शादी है, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत चाहता हूं और वो शंकर को बहुत चाहती है, इसलिए तो उससे पूछे बिना मैंने फैसला कर डाला। और एक बात है मैया, शादी धूमधाम से करने का इंतजाम तो मैंने किया है, लेकिन शादी में तू नहीं आएगी, मेरे मना करने पर भी तू आएगी, इसलिए तुझे रोकने के लिए मैं एक काम करता हूं, देखना। तू अपनी मर्जी से जाएगी तो इस गांव की रक्षा कौन करेगा? क्यों मैं, सुन रही है ना?
माता, मेरे कहे बिना तू इस लकीर को पार नहीं करेगी, तुझे मेरे सर की कसम। अरे देखा, जल्दबाजी में तुझे हिसाब बताए बगैर जा रहा हूँ। बहुत बड़ा करोड़ों का हिसाब है ना, अभी रहने दो, फुर्सत में आके बता दूंगा। अरे बहन मीना, बारात पहुंचने से पहले हमें शादी के मंडप में पहुंचना है, जल्दी चलना। इन लड़कियों का मामला ही ऐसा है। वाह 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 वाह, सचमुच तू मेरी बहन है या आसमान से आई परी? ये क्या भैया, हम शादी में जा रहे हैं और मदन परेशान हो रहा है। तू फिक्र मत कर, इसे अंदर बंद करके हम शादी की रस्म पूरी करके आएंगे, वापस आते ही इसे किसी वैद्य को दिखाना पड़ेगा। दिन ब दिन इसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। रुको, अभी आता हूँ। तू अपने आप को क्या समझता है, तू कोई किंग कोबरा है? तू कुछ देर इस पेटी के अंदर रह ले, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जा बहन, शादी होने के बाद ही इसे आजादी मिलेगी और खाना भी, तब तक ये भूखा ही रहेगा, मुझसे पूछे बिना इसे खोलना नहीं। चलो चलते हैं। मीना, तेरी जरूरत के कपड़े लेते इसमें हैं, तेरे मनपसंद गुब्बारा भी है, इसको अंदर रखो पहले। और ये तो मेरे कपड़े उपड़े हैं, पहले तुम दोनों अंदर चले। तुम कहाँ चले? मैं? बहनोई जी हर वक्त मजाक करते हैं, मैं तो उसके साथ रहूंगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? ये क्या बहनोई जी, मीना हमेशा मेरे साथ रही है, मेरे बिना ये चैन से नहीं रह पाएगी बेचारी। वो सब शादी से पहले की बात है, अब मैंने इसे मंगलसूत्र पहना दिया, ये मेरी बीवी है, अब इसका सब कुछ मैं हूं। तुम हमारे साथ आओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जरा सा हट के रहना। बहनो जी, मेरी बहन एकदम नादान है। अब से ठीक 9 महीने में ये बच्चा पैदा करेगी, इसे नादान कहते हो? देखो, मुझे पास वाले गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिली है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। उस तरह की कोठी में तुम जैसे गुटर गु को नहीं आना चाहिए, अगर तुम आओगे तो मेरी ही बेइज्जती होगी। बैठ जा, बैठ जा। कोठी है ये? रमेश की कोठी है। रमेश? हाँ। वो कौन है? मैं ही हूँ। आपने तो कहा था कि आपका नाम शंकर है। ओ, शंकर कहा था ना, अलग अलग टाइम पर मुझे जो नाम पसंद होता है वही मैं बोलता हूँ, उस समय शंकर अच्छा लगा, वैसे मेरा हजारों नाम है। आरती उतारेगी,
मेरा भाई जिन लड़कियों को घर लाता है उन सबकी आरती उतारेगी तो फिर हो गया काम। जा रही अंदर। सुनिए, कौन है ये जो आपको भाई कहती है? क्यों, तुम्हारे गांव में भाई को ससुर बुलाते हैं? नहीं, वो संधी बहन के सिवाय आपका कोई और नहीं कहा था ना? कहा था, अब बदल गया। मेरी बात सुन, मेरी कहानी के बीच बीच में कई मोड़ कई झटके वगैरह आएंगे, तुम एक साथ ये सब सुनोगी तो हार्ट अटैक होकर मर जाओगी। अभी तो फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई। लेकिन आपने मुझे क्यूरी दरवाजे पर खड़ी होकर वकीलों की तरह सवाल पे सवाल कर रही है। चल अंदर। अंदर चलना। तेरा मर्द नहीं आएगा, उसे पकड़ के बांध रखा है। आज मेरे साथ तेरी फर्स्ट नाइट है। आप हैं? पहली रात में ही कमरे में घुसकर कोई रेप करने आया, तूने ये सोच लिया? मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या है बेशर्मी? अरे ये क्या, लगता है नए ट्रेंड का तुझे पता नहीं। ये एक अलग टाइप की आंख में चौली है। आखिर कब तक एक ही तरह का खेल खेलूंगा? इस टाइप के खेल में वाकई बहुत मजा आएगा। छी, आपके बड़े घिनौने शौक हैं। ये बात है तो छोड़ो, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही अहिंसा के तौर तरीके से हम फर्स्ट नाइट मनाएंगे। मीना आओ ना। कौन हो तुम? जंगल में क्या कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? बोलो वरना गोली मार दूंगा। पूर्णमासी के दिन कन्या राशि में जन्मी मीना की बलि आगामी अष्टमी को दोगे तो तेरा जीवाग्नि कवच यज्ञ सफल होगा। गुरुजी मुझसे मिलना चाहते थे। देवा अग्नि कवच यज्ञ कर रहा हूँ कहा था ना, उसके संपन्न होने का दिन आ गया, अब एक बलि देने से वो सफल हो जाएगा। तो फिर पूरा कीजिए, यज्ञ में बलि के लिए क्या चाहिए, बकरा या गाय, जो भी मांगे मिल जाएगा। इसके लिए नर बलि देनी होगी, वो भी तुम्हारी पत्नी की। पूछना क्या है गुरुजी, मिटाने के लिए ही तो उसे ब्याह कर लाया हूँ, उसकी जान मैं लूँ या आप, एक ही बात है। ठीक है, बलि पूजा कब कर रहे हैं? अष्टमी पूजा के अगले दिन ही शुभ मुहूर्त है, उस दिन बलि देने से यज्ञ पूरी तरह सफल हो जाएगा। अष्टमी के दिन, उसके लिए तो पूरा एक महीना बाकी है, तब तक मीना को जिंदा रखना होगा। सिर्फ उसी दिन मीना की बलि देने से दैविक शक्ति को हराने लायक शक्ति मुझे प्राप्त होगी, तब तक सब्र करना होगा। ठीक है गुरुजी, आपकी बात मैंने कभी टाली, यानी मीना की जिंदगी का आखिरी दिन होगा दुर्गाष्टमी। सुनिए, ये क्या किया आपने? इसके अंदर तो क्या था? तेरे भैया की सांस थी। तेरे भैया की सांस आज से क्लोज। मगन, मैंने अपनी बहन के बारे में क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन अब वो कैसी है ये भी मैं नहीं जानता। आज जो भी हो जाए मैं उससे मिलकर ही रहूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं ले जा सकता। बहनों को तेरे नाम से चिढ़ है,
अब मैंने जो सुना है वो कम है क्या? तुझे भी सुनना है? नाराज मत होना मदन, जब तक मैं बहन को देखकर नहीं लौटता तब तक तू यही रहना। हेलो, अमेरिका से बहन जी, आप अच्छी तो है ना? अरे ये तो हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, आपकी बेटी गायत्री की शादी रमेश से ही होगी। वो यहाँ आना चाहते तो भेज दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। रमेश रमेश, अरे बड़ी ही खुशी की बात है। ओफो दीदी, क्यों लाउड स्पीकर की तरह चला रही हो, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? अरे रमेश, धीरे बोलने के लिए कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अमेरिका से मेरे मुंह बोले भाई की बेटी गायत्री आ रही है। वाओ, गायत्री आ रही है? कब आ रही है? अगले हफ्ते। बच्ची थी जब गई थी, जवान बन के आ रही है। तुम अगर किसी तरह उसे फास लो तो समझ लो कि हमारी जान दी ही जान। हाँ, ये कोठी धन दौलत सब उन्हीं की तो है। गायत्री से मैं शादी करूंगा तो ये सब हमारी हो जाएगी, ऐश करेंगे। एक काम के बीच में अटक की। अच्छा रमेश, गायत्री ने पूछा कि ये कौन है तो क्या कहोगे? मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ये यहाँ की महारानी है, ये तो छोटी सी बात है, ये है हमारी नौकरानी। मैं ही घर वाली हूँ, अगर इसने ऐसा कह दिया तो? अपना मुंह खोलेगी तभी तो बोल पाएगी, इसे गूंगी बना देते हैं। ए, आज से तेरा कैरेक्टर चेंज, तू गूंगी है, तू किसी से भी मुंह खोल के बात नहीं करेगी। बात के बिना मैं कैसे? बात कैसे करेगी? बाबा 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 बा, ऐसे ही मेरे मना करने के बावजूद बात करेगी तो तेरा भाई जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मैंने क्या करके बता? अरे वाह, तू तो कैरेक्टर के अंदर ही घुस गई है। गुड गुड, कीप इट अप। बिजली कैसे कड़क रही है, लगता है बारिश आने वाली है। कहाँ जाऊं? हाँ, उस शेड में चला जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? देवीपुर के रहने वाली उस मीना से शादी करके गृहस्थी चलाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे मार डालने के लिए। ये भूल गए? भूला नहीं, होश खो बैठा है। उसकी खूबसूरती देखकर उसका खून करने के बजाय प्यार कर रहा है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? तूने शादी भी कर ली, सुहागरात भी मना ली, अब क्या है? गायत्री जो है ना, मीना से भी सुंदर है, पैसे वाली है, अमेरिका से आ रही है, उससे शादी कर ले, इसे खत्म कर दे। दीदी, मीना को कब और कहां खत्म करना है मैं जानता हूँ, मैं ही उसका काम तमाम कर दूंगा। कमीनो, मेरी बहन का खून करने के लिए ही उससे शादी की थी। ओहो, तुम लोग खूनी हो, ये मैं समझ नहीं पाया। अब समझ गया ना? चल खून की शुरुआत तुझसे ही करता हूँ। मैं अभी जाके गांव वालों को बुला लाऊंगा और तुम सबको ठीक कर दूंगा। तू यहाँ से बाहर जा पाएगा तभी ना। मुझे छोड़ दो। अरे कमीनो, मेरी बहन को बचाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो, वो मासूम भोली भाली लड़की है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। मुझे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। मत, मुझे माता, तेरा बेटा आ गया है, चल पैसे करके बेच चलोगे, अब जख्मी होके तेरे शरण में आ गया है। मैं एक पागल आदमी हूँ माँ, तेरे घर के सामने लकीर खींच के मैंने अपनी और मीना की जिंदगी मिटा दी। माँ, मर भी जाऊँ तो तेरे चरणों में मरना चाहता हूँ। जमा और खर्चे का आखिरी हिसाब भी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ। माता, अब की बार बहुत जमा है माँ, बहुत जमा है। दुख
दर्द, आंसू, पीड़ा, आज तक कभी इतना जमा खाते में नहीं आया, मान खाते में नहीं आया। अब खर्चे का हिसाब भी सुनो, मान मर्यादा, खुशी, भरोसा, ये सब क्या, बाकी बची है तो सिर्फ ये जान और कुछ नहीं, वो भी खर्चे के खाते में चढ़ेगी। मुझे मेरी फिक्र नहीं है माँ, मेरी बहन की तो रक्षा करना। भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, मैं मेरी बहन ऐसी भावनाओं की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है, अनजाने में बोल गया। माँ वो तेरी बेटी है, तू जाके अपनी बेटी को बचा ले, अपनी बेटी को बचा ले माँ। मैंने जो लकीर खींची थी उसे मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। अमेरिका से आ रही हो, सोचा था कि जींस और टी शर्ट पहन के डिस्को करती आओगी और तुम हो कि साड़ी पहनकर हमारे गांव की दुर्गा माता की तरह आ गई हो। अभी तो दुर्गा की तरह हूँ मैं, जरूरत पड़ी तो काली भी बन जाऊंगी। ओहो, काली बोलकर तुम इस तरह मत डराओ, सोचते ही पसीना छूटता है। हाय गायत्री, हाउ आर यू? इस तरह क्या देख रही हो? मेरा भाई रमेश इस इलाके का हीरो है। हीरो? क्या मतलब? दीदी ये फॉरेन से आई है, इन्हें हमारे इलाके के बारे में क्या पता है, इन्हें समझाना पड़ेगा। गायत्री हमारे गांव में हर टाइप के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हीरो सिर्फ एक ही है, वो मैं हूँ। यानी महिषासुर की तरह? अच्छा गायत्री, मैं कह रहा था कि ये क्या गायत्री, सोचा था कि अमेरिका से बहुत सारा सामान लेकर आओगी, लेकिन तुम तो छोटा सा बक्सा लेकर आई हो, बहुत बड़ा बक्सा लाना था ना। कमाल है, गहनों के बक्से के लालच में पड़कर ही तुम्हारा बाप शव के बक्से में पहुंच गया, अभी भी तुम लोगों का बक्सों का लगाव नहीं छूटा। वेट 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 वेट, हमारे पिताजी की मौत के बारे में तुम कैसे जानती हो? रमेश, हमारे पिताजी गायत्री के डैडी के बिजनेस पार्टनर थे, उन्हीं से गायत्री को पता चल गया होगा। यस, देखती हूँ कि अमेरिका से क्या चला है। इसमें हीरो मत होंगे। ए गायत्री, वहाँ तुम क्या कोई आश्रम चला रही हो? भभूत, कुमकुम, ये सब तो पूजा का सामान है। ये क्या, नींबू भी लाई हो अचार बनाने के लिए? नहीं, कुछ पागलों के दिमाग ठीक करने के लिए। हाँ?
अब मुझसे मिलने मेरे घर आते हैं। मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई हूँ। तू कैसी है? मेरे आगे भी गूंगी का नाटक? फिक्र मत कर, तू जल्द से जल्द बोलेगी, जरूर बोलेगी। मैं अपने साथ क्या क्या लाई हूँ सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। किसी के लिए कुछ भी नहीं लाई, सिर्फ तेरे लिए एक चीज लाई हूँ, जानती है क्या? इसके अंदर जो है वो मामूली हवा नहीं है, तुझ पर जान छिड़कने वाले एक आदमी की आखिरी सांस है। इसके अंदर मामूली हवा नहीं, मेरे भैया की सांस है। इसे मैं संभाल के रखूंगी। इस घर में मैं जो आ गई हूँ, अब जो भी होगा सब कुछ मंगलमय होगा। आई है वो अमेरिका वाली है या शीरा वाली है? अमेरिका से जो लड़की आई है ना, वो मार पीना चाहती है। आप ले जाएंगी? ले जाइए, लेकिन मेरे सामने घूमने की बने क्या जरूरत है? आई है अमेरिका से और पीती है मार जो देवी माँ को पसंद है, ताजुब है? क्यों, जानकर भी अनजान बनकर जा रही हो? डर है? मार तो लाई हो लेकिन साथ में खाने के लिए अचार नहीं लाई, क्यों? ये पहले भी कहीं सुना है ना? बोलोगी नहीं? गूंगी बनने का नाटक किसी के कहने पर कर रही हो? तो फिर बात कर, अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप खाना खाइए। मेरी बात छोड़, सुबह से खाली पेट काम कर रही है तू, इसलिए खाना तू खाएगी। नहीं, आप खाइए। नहीं, तुझे खाना होगा। आप ही को खाना होगा। पहले तू खाएगी। पहले आप खाएंगी। ठीक है, न तेरी बात न मेरी बात, चिटपट करके देखते हैं हम लोग। चिट आया तो पहले मैं खाती हूँ, पट आया तो तू खाएगी। चितपट के बिना सिक्का बीच में ही रोक दिया, तूने कोई जादू टोना किया है जादूगरनी। चित भी नहीं पट भी नहीं, सिक्का बीच में ही रुक गया, वो कैसे? तूने कोई जादू टोना किया है जादूगरनी। आप तू कौन है? कलश में दूध लिए तो कहाँ जा रही है? देवी माँ को दूध का अभिषेक करने जा रही हूँ। कौन सी देवी माँ?
इस गांव का भगवान मेरा भाई है, बड़ी आई दूध का अभिषेक करने वाली। रमेश रमेश, ये कैसा चमत्कार है, कलश अपने आप ऊपर जाकर दूध बहा रहा है। ओफो, ऊपर से ना कोई दूध बहता है ना कोई पानी, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं रे, तू ही जाकर देख ले, गायत्री के सर पर दूध का अभिषेक हो रहा है, मैंने खुद देखा। ओफो, गायत्री को बहू बनाने के उतावलेपन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कलश छोड़ के आ रहा है, दूध बह रहा है, कह के मुझे पागल बता। दीदी तुम एक काम करो। यहाँ क्या हो रहा है गायत्री? तुम तो कह रही थी दूध का अभिषेक हो रहा था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं, एकदम ताजे एप्पल की तरह सामने आके खड़ी है, अब क्या हुआ? यही तो समझ नहीं आया। मेरी बात सुनो, दिन ब दिन तुम बिगड़ती जा रही हो, कुछ ज्यादा ही। गायत्री, जो नींबू तुम लेकर आई हो, लगता है उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मतलब मैं पागल हूँ? मैंने अभिषेक के बारे में जो कहा वो झूठ नहीं है, अभी साबित किए देती हूँ। इधर आ, अभिषेक को तूने भी तो देखा है ना, बोल। अरे बोल ना। वो कैसे बोल सकती है, वो बेचारी तो गूंगी है। उसे गूंगी कहा था वो झूठ है, या अभिषेक होने की बात की वो झूठ है? ये सचमुच गूंगी है, अभिषेक की बात ड्रामा थी। दीदी कंफ्यूज किए बगैर पतली गली पकड़ लो, जाओ। दीजिए विवी जी, मैं पूछता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। जब से आप इस घर में आई हैं, तब से आपको पहली बार खुश देख रहा हूँ। जिस घर में इंसान ही ना हो, अब उसमें देवी माँ रह रही हैं। आप भी कमाल हैं, देवी माँ भला कैसे रह सकती हैं? इनके बाप की हरकतों से देवी माँ यहाँ से चली गई। आपके पति की करतूतों से मंदिर भी खंडहर बन गया है, मंदिर भी ताला पड़ गया है। क्या मंदिर पे ताला पड़ गया? ये बताओ इस गाँव में मंदिर कहाँ है? पूरब की ओर है बीबी जी। सुंदर सी तेरी आंखों की पंखुड़ियों में मिट्टी लगी पड़ी है। तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब रोज यहां पर पूजा होगी, ठीक है? बंद पड़े मंदिर को खोल दिया। जब गांव में देवी माँ आ गई है तो मंदिर बंद रह सकता है भला? जिस गांव को छोड़कर मैं चली गई थी, उस गांव में यदि मैं लौट कर आई हूँ तो वो पूजा स्वीकारने नहीं, प्रतिशोध लेने के लिए। प्रतिशोध लेने लायक यहाँ कौन सा पाप हुआ है माँ? यहाँ जो कुछ भी होता है पाप है, और यहाँ के सभी लोग पापी है। माँ मुझ पर मेरे ससुराल में जुल्म होता है, ये सच है, लेकिन ये ऐसा कोई महापाप नहीं जिसके लिए तू प्रतिशोध लेना चाहे। अरे जा पगली कहीं की, तू मुझे उपदेश दे रही है? तेरा विवाह मेरे आशीर्वाद के साथ नहीं हुआ है, तेरी पसंद से हुआ है, उसकी अच्छाई बुराई तू ही सहेगी। मैं यहाँ पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ, असल और ब्याज वसूल किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। पाप करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे दंड तो मिलेगा ही, वो चाहे तेरा पति ही क्यों ना हो। दूध का अभिषेक करके मुझे पागल बना दिया ना, पेट्रोल से अभिषेक करके तुझे खत्म करती हूँ, देख लेना।
माँ, सर दर्द सहन नहीं हो रहा है, मन करता है कि सर निकाल कर कहीं रख दूँ। अरे ओ मीना, जल्दी आ। बाप रे। आता हूँ री, तेरे अकल ठिकाने लगाने के लिए ही आया हूँ। उफ़, सर फटा जा रहा है। तू आ गई क्या? आ गई। जरा पाँव दबा देना। पाँव दबा दूँ? ऐसा दबा दूंगा कि पाँव आज के बाद रबर बन जाए। वहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? पाँव की उंगलियों को खींच कर तोड़ना। उंगली खींच दूँ? एकदम खींच देता हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे पाँव छोड़ दो। अब क्या देख रही है? तूने खींचे कहा था ना, इसलिए लंबा खींचा। और खींचो। नहीं, मेरे पैर छोड़ दो, मेरे पैर छोड़ दो, मेरे पैर। अरे दीदी जी, आज तेरा दिन भर गया है। ये बता, थोड़ी देर पहले कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? मन करता है कि अपने सर को कहीं निकाल कर रख दूं, ऐसा कहा था। निकाल देता हूँ, निकाल दूं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तेरे सर को भेजने वाला। मेरे सर को जोड़ दो, मेरे सर को जोड़ दो। सर को जोड़ दूं? आज से मेरी बहन के साथ ठीक से पेशा, फिर कभी उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो सर को पीट के और कर दूंगा, समझी? क्या बात है, मेरे पाँव को ही क्यों देख रही हो? रबर का पाँव ठीक हो गया या नहीं देख रही थी? इसे कैसे पता? जो घर में आई है वो गायत्री है या कोई और है? पता लगाता हूं। देवी माँ, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली है तू, गद्दी पे सोने के बजाय जमीन पर लेटी है? मेरे भाई दूध के सागर में सोते हैं, मेरे पति बर्फीले पहाड़ पे सोते हैं, इसीलिए मैं जगह देखकर नहीं सोया करती, भक्तजनों के हृदय में सोना चाहती हूँ। बहस करना कोई तुझसे सीखे, चल उठ। क्यों? उठना, मैं बोलती हूँ। मेरी गोदी में सर रख के आराम से सो जा। आज मुझे सुलाने के लिए तू इतनी तो अली है। ठीक है, सोती हूँ। चंदन की डाली पे झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूलाऊं, लोरी गागा के बोलो सोले माते सोले, नीम के पत्तों के मैं बेनी डोलाऊं, माँ तू है जग की पालनी, मैं हूँ तेरी लाडली, एक पल को दूर तो हुई मैं हुई बावली, चंदन की डाली पे झूला माते झूले, माँ को मैं हौले हौले झूला झूला। इतनी देर क्यों लगा दी है? ये लीजिए। पत्नी हो तो तुम जैसी, साधारण पत्नी नहीं, आईएसआई मोर वाली एग मार्क पत्नी। आओ बैठ 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 बैठ। कंग्रेचुलेशंस, जिंदगी की पहली जोड़ी मुबारक हो। गुड, कीप इट अप। यकीन नहीं हो रहा है, अपने पति का हुक्म मानकर तुमने ये काम बखूबी निभाया। सुनिए जी, आपकी बात मैं हमेशा माना करूंगी। वाह 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 वाह, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक बार आप दया करके मेरी बात भी मान लीजिए ना। चलो मान लेता हूँ, बोलो 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 बोलो। आज के बाद कोई भी गलत काम ना आप करिए ना कभी मुझसे करवाइए।
जैसे बिना नमक के तुम खाना नहीं खा सकती, ठीक वैसे ही बिना गलत काम किए मैं जी नहीं सकता, समझ गई? दया करके एडवाइस दे के मुझे शैतान मत बनाओ। नहीं जी, देवी माँ सब कुछ देख रही है। क्यों नहीं, देवी माँ बैठकर मुझे सैटेलाइट टीवी में देख रही है और तो टेलीकास्ट कर रही है। बहुत यहाँ से माता तू आ गई, आजा आजा, तेरा नाम मैं भूल गई, कोई नया नाम रख दूं? दगाबाज नाम बहुत जच रहा है ना, तूने अपनी गोदी में सुला के आखिर में भरोसे को ही चुरा लिया ना, वही मेरी पेटी में से जो चुराया उसी को बोल रही हूं। मैं टीवी प्रोग्राम देख रही हूं, सैटेलाइट टीवी, तुम भी देखो, ये लीजिए। बैठ 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 बैठ, कंग्रेचुलेशंस, जिंदगी की पहली चोरी मुबारक हो, गुड, कीप इट अप। देवी माँ बैठकर मुझे सैटेलाइट टीवी में देख रही है और तो टेलीकास्ट कर रही है, फट यहाँ से। जो हो उसे देख लिया ना, अब जो हो रहा है वो देखो। ये लो। तुमने जब पूछा था उस गायत्री का पासपोर्ट, मुझे इसी का इंतजार था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आमतौर पर ज्योतिष लोग डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, कुंडली पूछते हैं, तुम तो पासपोर्ट पूछ रहे हो, अजीब सा नहीं लगता है? जो आई है वो गायत्री है या तुम्हारी दुश्मनी ये पता लगाने के लिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ है, उसके जरिए मैं गायत्री की कुंडली देख लूंगा। ओके, तुम कुछ भी देख लो, लेकिन मेरी और गायत्री की शादी के लिए कुंडली मिलती है या नहीं इतना मुझे बता दो। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करोगे? वो पत्नी जिंदा रहेगी तब ना, तुम शादी का मुहूर्त निकालो, उसकी अर्थी मैं उठवाता हूँ। जिस तरह उस अंधी लड़की को खत्म किया था उसी तरह। रुकावट के लिए खेद है, जो हुआ उसे देखा, जो हो रहा है उसे भी देखा, अब जो होने वाला है उसे देखेगी तो सह नहीं पाएगी, जीवन भर सो भी नहीं पाएगी। नहीं माँ, जिंदगी में सवाल आते हैं, मेरी जिंदगी ही सवाल बन गई है, लेकिन एक तरह से मैं बड़ी सौभाग्यवती हूँ, स्वयं दुर्गा देवी माँ के रूप में मुझे मिली है ना, उस माँ से उसकी बेटी पूछ रही है तो उसे क्या दहेज देने वाली है? तुझे मुझसे दहेज चाहिए? अचानक दहेज की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आवश्यकता क्यों नहीं माँ, माँ अपनी बेटी की मांग उजाड़े ऐसी निराली बात इस घर में ही तो हो रही है। बेटी माँ को हथियारन समझने की निराली बात भी इसी घर में है। मैंने सपने के बारे में कहा, मैंने सच के बारे में कहा। शीशे के महल में रहकर पत्थर नहीं फेंका करते माँ, पत्थर फेंकने वाला भी उसी महल में रह रहा ना बेटी। मैं क्या कहने आई हूँ तुम समझ गई ना? ठीक है माँ, वहाँ रखी हुई दो चीजों में से कोई भी एक उपहार समझ के या दहेज समझ के अपने हाथों से दे दो माँ, तुम जो भी दोगे मैं ले लूंगी। समझती हो कि मैं सदा सुहागन बनी रहूं,
तो इस सिंदूर को मेरे माथे पर लगा दो, और अगर मुझे जीते जी मारना चाहती हो तो वो सफेद लिबास मुझे दे दो। अपने प्रतिशोध के लिए तेरी मांग गुजार दो, मैं इतनी कठोर नहीं हूं। पंचभूतों को साक्षी मानकर मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तक ये सिंदूर तेरे माथे पे रहेगा तब तक तेरे पति को मुझसे कोई विपत्ति नहीं होगी। अब गायत्री का पासपोर्ट मेरे हाथ में है, थोड़ी देर में उसकी कुंडली मेरे हाथ में होगी। बेटी कविता, शादी का वादा करके मुझे खराब किया और अब धोखा दिया है। रमेश से मुकाबला करने के लिए ना हमारे पास ताकत है ना पैसे, इसलिए अपनी बेइज्जती का ये दाग अपने साथ ही समेट कर मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझे जलाकर राख कर दूंगा रमेश। मैं जीत गया। गायत्री के रूप में जो आई है वो स्वयं काली माँ है, जिसे मैं पूछता हूँ। मेरी सौगंध पूरी होगी। अवतार लेकर आई हुई मेरी देवी माँ को मेरा निवेद स्वीकार हो। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, देवी माँ भी नहीं, गायत्री, अमेरिका से आई हुई गायत्री हूँ मैं। मनुष्य का रूप धारण करते ही माँ दुर्गा भी झूठ बोलने लगी। ये नाटक तूने ही शुरू किया। नाटक मैंने शुरू किया? हाँ माँ, तूने शुरू किया। लाड़ प्यार से पली मेरी बेटी को खराब किया था उस रमेश ने, तब तू उसे रोकती तो हंसती खेलती जीने वाली मेरी बेटी इस छोटी उम्र में मर नहीं जाती। अगर तू उसे रोकती तो इस बदले की आग में मैं नहीं जलता। अब इस खेल में मेरी हार जीत नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई तेरे और रमेश के बीच है। उससे लड़कर मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा, इसी वजह से तुझे यह जंग लड़ने पर मैंने विवश कर दिया। अब भाग्य मेरी मुट्ठी में है। मनुष्य भाग्य की मुट्ठी में रहता है, तुम भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, बुरा होगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, शक्ति से जिसे मिटा नहीं सकता उसे मैं बुद्धि से मिटाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? तेरे खेल में मेरे एक निर्दोष भक्त के प्राण चले गए, वो क्या बुराई नहीं? वो मासूम लड़की मीना एक राक्षस के गुलाम बनकर यातना झेल रही है, ये क्या बुराई नहीं? तो आग को आग से बुझाना चाहता है, उस आग में तो खुद जल जाएगा। बेटी की मौत ने मुझे एक शोला बना दिया है, आग के नाम से मैं क्यों डरूंगा? मैं तो इस आग को हवा देने वाला हूं, जिसमें वो रमेश जलकर राख हो जाएगा। मैंने कितना कहा पर रमेश मान नहीं रहा है, तू खुद मीना को मार डाल। ये वो नींबू है जो गायत्री लाई थी, इसी से मीना को खत्म कर दूंगी।
मीना बेटी मीना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, लो ये जूस ही पी लो। देवी माँ को नींबू की ये माला चढ़ा के आती हूँ, फिर पियूंगी। बड़ी आई नींबू की माला ले। उफ़ ये तो चली गई। मीना बेटी मीना, मीना मीना बेटी मीना, ये सब कैसे हुआ? सुबह से दीदी घर पर नहीं थी, ढूंढा तो नींबू के बागीचे में उनकी लाश मिली। आपके घर से धूप की खुशबू आ रही है? हाँ, धूप भी नहीं चंदन भी नहीं, मेरे घर में कैसी पूजा? नहीं नहीं, आपके घर में देवताओं का वास है। यहां पर चाहे कोई भी शक्ति हो, दुर्गाष्टमी के बाद मैं ही विदाता हूं। बलि पूजा की याद दिलाने आया हूं। अष्टमी के दिन आपकी पत्नी की मैं खुद बलि दूंगा, ये मत भूलिए। मीना को खुद रमेश मार डाले तभी मेरी सौगंध पूरी होगी, ये बीच में खेल भी कर रहा है। तुम्हारी और गायत्री की कुंडली देखने को कहा था ना? हाँ। बहुत बढ़िया है, सारे गुण बराबर मिल रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए मीना को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया। उसे तो मैं दुर्गाष्टमी के दिन मारने वाला हूँ ना। तब तक तुम जिंदा रहे तब ना। तुम्हारा सौभाग्य गायत्री के रूप में अमेरिका से आया है। दीर्घायु रहने के लिए गायत्री की मांग तुम्हें भरनी होगी, वो भी जबरदस्ती करके, तभी मैं जो चाहता हूं वो होगा। हाँ, ज्योतिष जी, मुझे मांग कर खाने से छीन कर खाने में ज्यादा मजा आता है। हाँ। सीधी तरह शादी करने के लिए कहते तो मैं झिझकता, जबरदस्ती उठाकर शादी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहां कब और कैसे ये कहिए। गायत्री को लाके मंगलसूत्र पहना दूंगा। तुम गायत्री को उठा के दुर्गा देवी के मंदिर में पहुंच जाओ, वहां मंगलसूत्र के साथ मैं मिलूंगा। मैं खुद तुम्हारी और गायत्री की शादी करा दूंगा। हत्या की मंशा से निकलती हूं तो तेरा ये सिंदूर रोक रहा है, तेरी वजह से मैं बंदिश में हूं। क्यों माँ, क्या बात है? जो नहीं होना चाहिए वही होने वाला है। अब इस जगत को प्रलय से कोई नहीं बचा सकता। सीने में आग भड़क रही है, तुझे दिया हुआ वचन जंजीर बन गया है, लेकिन एक राक्षस को आज मुझसे कोई भी शक्ति बचा नहीं पाएगी। लगता है आज वो कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं नहीं खोलूंगी, आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हा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 ह
विश्व में जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। काली माता का विवाह, उसकी मांग भरेगा रमेश। तेरी बेटी पर जुल्म करवाए, तुझे क्रोध नहीं आया, तेरे बेटे की हत्या करवाई, लेकिन तूने रमेश को कुछ नहीं किया। इतना होकर भी तू अंधी बनी रही, तुझे आंखों की पकड़ी किस लिए? तू अंधी ही बनी रहे। वो तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, अब तो तुझे क्रोध आएगा। अब तो रमेश को मिटाने वाली है या उसका मंगलसूत्र स्वीकारने वाली है? बोल, क्या फैसला है? हेलो, रमेश हियर। रमेश, मैं अमेरिका से संध्या आंटी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए आंटी। दीदी को जरा लाइन देना। दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। कब? गायत्री के यहाँ आने के बाद ही। गायत्री तो यही है, यही कहने के लिए मैंने फोन किया। वही है तो फिर गायत्री बनकर यहाँ कौन आई है? देखो माँ, तुझे किसके कारण क्रोध आया है मैं नहीं जानती। मेरे कारण तुम शांत तो हो जाओ, इसलिए हल्दी का पानी लेकर आई हूँ। इस आग को पानी से बुझा नहीं पाएगी, रक्त से ही बुझा पाएगी। देवी माँ, रक्त की प्यासे नहीं हो सकती। देवी माँ होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। अपने बेटे को मारने वाले से प्रतिशोध लेना ही एक माँ का धर्म है। दो पापियों को यमलोक पहुंचा चुके हूं, अब तीसरे सबसे बड़े पापी को मिटाना है, उसका भी समय आ गया है। प्रतिशोध लेना है? क्या कह रही हो माँ, किससे प्रतिशोध लेना है? सबका भला चाहने वाले तेरे भाई को मारने वाले को मैं मिटाने वाली हूँ। मेरे भैया की हत्या हो गई, कौन है, कौन है वो हत्यारा? तेरा पति। गुरुजी, आप आग के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, मैं आग पे खड़ा जल रहा हूँ। क्या हुआ? मुझसे बदला लेने के लिए काली माता ही गायत्री के रूप में आई है। काली हो या गायत्री, कोई आपको कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं जो हूँ ना, आपकी पत्नी मीना की बलि देने वाला हूँ मैं। आज ही बलि देने से पहले काली माता की आंखें छीननी होगी। आप फौरन अपने गांव की काली माँ के मंदिर में जाइए और उस मूर्ति की आंखों की पंखुड़ियों को निकाल के लाइए। उससे मुझ पे कोई मुसीबत आन पड़ी तो? मुसीबत को टालने के लिए मैं जो आपके साथ हूं तो किस बात का डर? आप वहां पंखुड़ियां निकालिए और मैं मीना को उठा लाऊंगा और बलि पूजा शुरू करूंगा।
जीतने वालों को ही ये माला पहनने का हक है, और तुम तो मुझसे हारने वाली हो। तुम्हें ये माला किस लिए है? इसलिए ये माला मैं निकाल लेता हूं। हैं? तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा? देखते हैं। ऊपर से नीम के पत्तों की माला। तुझे हजार आंखों वाली कहते हैं, यहां तो सिर्फ दो ही आंखें हैं। उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूं। इंसान को तेरे दर्शन नसीब नहीं होते, लेकिन तू इतने दिन हमारे साथ रही पर मैंने नहीं देखा। अब तुझे देखना चाहता हूं मां, पर मेरी आंखें नहीं है मां, मुझसे भूल हो गई मां, मुझसे बहुत भूल हो गई मां, बदल गया हूं मैं पूरी तरह बदल गया हूं, मुझे क्षमा कर दो मां। पाप करने वाले हर एक आदमी को उनकी पत्नियों के कर्म ही बचाते हैं। केवल तेरी पत्नी के सुहाग की रक्षा के लिए मैं तेरे प्राणों की भिक्षा दे रही हूं।